एक बात जो मुझे हर किसी ने कही कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्या करना चाहिए। बहुत पुरानी बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बार एक गांव के पास से गुजर रहे थे और गौतम बुद्ध को अचानक प्यास लगी तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि हम इस पेड़ के नीचे बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तुम जाओ और गांव का जो तालाब है वहां से हमारे लिए पानी भरकर इस घड़े में लेकर आ जाओ। तो शिष्य जो था गुरुदेव की बात मानते हुए तालाब के पास पहुंचा और जब पहुंचा तो देखता है कि तालाब के पास में जो किसान है अपने बैलों को साफ कर रहे, नहला रहे, जो महिलाएं हैं गांव की वो कपड़े धो रही हैं, कुल मिलाकर के तालाब का पानी एकदम गंदा है और उसे समझ में नहीं आया कि इतना गंदा पानी गुरुदेव के लिए लेकर के जाऊं तो जाऊं कैसे। थोड़ी देर उसने इंतजार किया, फिर उसे कुछ समझ में नहीं आया, वो वापस वहीं पहुंच गया जहां गौतम बुद्ध रुके हुए थे और गौतम बुद्ध से जाकर के कहा कि माफी चाहूंगा गुरुदेव, मैं चाहता था आपके लिए पानी भरकर लाना घड़े में लेकिन पानी इतना गंदा है कि मैं पानी भरकर ला नहीं पाया। गौतम बुद्ध ने उस शिष्य से कुछ नहीं कहा और कहा कि हम लोग यहीं आराम करते हैं थोड़ी देर, तुम भी आराम करो। आधे घंटे के बाद गौतम बुद्ध ने फिर उस शिष्य से कहा कि तुम जाओ और उस तालाब से इस घड़े में पानी भर कर लिया, बहुत प्यास लगी। वो शिष्य पहुंचा तो देखता है कि तालाब में जो मिट्टी थी, जो गंदगी थी, वो नीचे बैठ चुकी है, पानी स्वच्छ हो चुका है, साफ है। उसने घड़े में पानी भरा और वो वापस गौतम बुद्ध के पास आया और बोला कि मैं समझ नहीं पाया कि ये पानी साफ कैसे हुआ। गौतम बुद्ध ने कहा कि ये बात मैं तुम्हें समझाना भी चाहता था कि जिस तरीके से तालाब का पानी आधे घंटे में साफ हो गया, मिट्टी नीचे बैठ गई, ठीक ऐसे ही आपका दिमाग है। कई बार हम बहुत सारी कोशिश करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, लगे होते हैं कि बस रिजल्ट मिल जाए लेकिन उस वक्त हम ये ध्यान नहीं देते कि हमारा माइंड जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है। हम चाहे जितना जोर लगा लें, हम उस परेशानी में सही तरीके से प्रयास ही नहीं कर पाते। इसीलिए थोड़ा सा वक्त अपने मस्तिष्क को दीजिए, थोड़ा सा वक्त अपने माइंड को दीजिए, शांत हो जाइए, उसके बाद अपनी सारी पावर को समझकर लग जाइए सारे एफर्ट्स करने में, आपको मंजिल जरूर मिलेगी।